विश्वविद्यालय के संवाद भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर संगीत एवं कला के परम विद्वान पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य को विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह द्वारा स्वर्ण स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात ललित कला एवं संगीत विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा कुलगीत एवं गुरु वंदना प्रस्तुत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर उषा सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और डॉक्टर राजेश्वर आचार्य से जुड़ी अनेक स्मृतियों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अजय शुक्ला और धन्यवाद ज्ञापन गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलसचिव सुरेश चंद शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव, प्रोफेसर मिहिर राय, प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव, प्रोफेसर नंदिता सिंह, प्रोफेसर शीतला प्रसाद सहित विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षक, कर्मचारी, छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहे। आचार्य जी का सम्मान हो रहा है। मैं कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन के लिए अनुरोध मैं आगे सम्मान के क्रम में मैं अनुरोध करूंगा माननीय कुलपति आपका सम्मान किया जा रहा है। प्रथम वर्ष का छात्र था और आपके घर 80 आया जाया करता था, तब से मैं आपको जानता हूँ, आपके व्यक्तित्व को जानता हूँ, पहचानता हूँ। डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी में एक बड़ी भारी प्रतिभा है जो आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ, वो ये कि आप यदि बोलें तो लगातार एक सप्ताह तक निरंतर बोल सकते हैं बिना सोए और बिना खाए और बाकी बिना कुछ किए। दूसरी चीज कि अगर सोए तो निरंतर आप एक सप्ताह तक सो सकते हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं कि आप राज टाकीज के पास एक पतली गली में एक छोटे से मकान में थे और एक व्यक्ति इनके पास संपर्क के लिए गया और चिल्ला चिल्ला के हार गया और खिड़की से देखता रहा, आप उठे नहीं। वो वापस आया दूसरे दिन, पुनः गया और फिर चिल्लाया, उसी अवस्था में आप पड़े थे लेकिन उठे नहीं। वो भागा हुआ फाइन आर्ट्स आया कि डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के पास चलूं, उनको बता दूं कि आचार्य जी मर गए, और वो आकर मुझसे कहा कि साहब कुछ हादसा हो गया, आचार्य जी अब है नहीं। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। मैं भागा हुआ गया और मैंने आचार्य जी को कहा सिद्ध
ने कहा गुरु जी, उन्होंने कहा कौन है, उठ गए। एक तो ये भी है कि आप अगर बोल सकते हैं तो बोलते रहते हैं, अगर सो सकते हैं तो सो भी सकते हैं। एक वाक्य और है, जब मैं मुंबई आपके साथ जा रहा था और एक प्रदर्शनी थी, हमारे मित्र की प्रदर्शनी वहां लगी थी और उसमें जाना था आपको भी और मुझे भी, रास्ते में आपने देखा तो उन्होंने कहा कि एक तुम्हारे पास कंबल नहीं है? हमने कहा गुरु जी है तो नहीं। बोले हमारा ये कंबल ले लो और ओढ़ो। तो मैं ओढ़ लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद कहते हैं सुनो देखना ऊपर से गिरने ना पावे नीचे। हमने कहा गुरु जी अगर मैं सो जाऊंगा तो देखूंगा कैसे, अगर सो ही गया तो देखूंगा कैसे कि गिरा है कि नहीं गिरा है। बहरहाल मैं उठ के बैठ गया। उन्होंने कहा क्यों बैठ गए? हमने कहा नींद नहीं आ गई। तो ये बोलना शुरू किया और मुंबई तक बोले, मुंबई में खत्म किया अपना भाषण। तो इस तरह के व्यक्तित्व डॉक्टर आशा हैं, लेकिन हैं बहुत साजिश।